नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। कल दिल्ली में झमाझम बारिश हुई, लेकिन फिर भी मिंटो ब्रिज पर कोई बस नहीं डूबी। इस बात ने मुझे इतना हैरान कर दिया जितना पाकिस्तान की टीम ने। हमेशा की तरह सबको चौंकाते हुए पाकिस्तान वाले इंग्लैंड की एक सी टीम से 3 मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से हार गए। ऐसे कौन हारता है भाई है? बस भले ना डूबी हो कल की बारिश में, लेकिन पाकिस्तान की टीम को चुल्लू भर पानी में डूबी जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड वाले फालतू में यूरो कप की हार का भिंडी रोना रो रहे हैं भाई साहब। अरे जब आपकी क्रिकेट टीम इतनी मजबूत है कि एक ही वर्ल्ड कप में 2 अलग-अलग टीमें उतार के आपस में फाइनल खेल सकती है, तो फालतू में एक यूरो कप की फाइनल में हार का रोना काय को है? लेकिन इंग्लैंड के अलावा ऐसी कौन सी और टीमें हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट रूल कर रही है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और उन टीमों के बारे में भी बात करेंगे जो आने वाले टाइम में क्रिकेट का सुपर पावर बन सकती हैं। जैसे 70s में वेस्ट इंडीज थी, 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया थी, वैसे ही 2020 के दशक में कौन सी टीमें रूल कर सकती हैं, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे भी हेलो हाय बोलते रहिएगा। बात करते हैं टीम नंबर 1, हिंदुस्तान की टीम। वैसे तो इंडिया ने 2010 वाला दशक भी रूल किया है, लेकिन वो पुराने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाली फील नहीं आई भाई साहब। ये सच है कि उस दशक में खेले गए सारे आईसीसी टूर्नामेंट में 2012 का T20 वर्ल्ड कप अगर निकाल दिया जाए तो इंडिया ऑलमोस्ट सारे टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट या विजेता तो थी ही। लेकिन अगर आप एक भारतीय क्रिकेट फैन हैं तो मौज आनी अब शुरू होगी, क्योंकि इंडिया की 2 टीमें अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग देशों के खिलाफ 2 अलग-अलग फॉर्मेट में भिड़ने को तैयार हैं। इसके अलावा इसी साल में हमने ऑस्ट्रेलिया को अपनी सी टीम से मात दे दी थी। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट इतना तगड़ा और मजबूत है कि जॉन सीना और अंडरटेकर जैसे पहलवान भी हल्के और पतले पड़ जाए। T20 लीग तो एक अलग बात है। हमारे यहां इस वक्त रणजी ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों को खड़े खड़े चपत लगा दें। यानी कुल मिलाकर इंडियन टीम बस 1-2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत ले तो फुल फील आ जाएगी बाबा, और हमें क्रिकेट का सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बात करते हैं टीम नंबर 2, इंग्लैंड की टीम। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से सिर्फ 2 दिन पहले जब इंग्लैंड की पूरी टीम को कोविड की वजह से आइसोलेशन में डाला गया था, तब काउंटी क्रिकेट से लड़के बुलाकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक नई टीम तैयार कर दी थी। ये टीम इतनी नई थी कि शायद टीम के कैप्टन बेन स्टोक्स को अपनी टीम के बाकी सब खिलाड़ियों के नाम भी मुंहज़ुबानी याद नहीं होंगे। लेकिन इस टीम ने पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को 3-0 से पेल के व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इंग्लैंड बिना शक इस वक्त दुनिया की बेस्ट टीम है, और टेस्ट क्रिकेट में भी वो कमाल है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ लाजवाब है, और ये बेंच स्ट्रेंथ दिखाती है कि इंग्लैंड का क्रिकेट एकदम राइट डायरेक्शन में है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फाइनली अंग्रेजों के पास दिखाने के लिए कुछ ऐसी ट्रॉफी होंगी जो उनकी खुद की होंगी, ना कि उनके दादा परदादा विदेशों से लूट कर रखे होंगे हैं? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम नंबर 3, न्यूजीलैंड। 2015 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, 2019 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त हर फॉर्मेट में हर देश के खिलाफ एक बेहतरीन टीम बनकर उभरी है। उनके ज्यादातर खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और हर फॉर्मेट में चैंपियन है। न्यूजीलैंड की सरकार ने भी क्रिकेट को अच्छे से प्रमोट करना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कॉनवे हो या इंडिया के एजाज पटेल, ये सब बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं। अपने घर को न्यूजीलैंड ने एक अभेद किला बना लिया है, जहां इंडिया जैसी टीम भी उन्हें नहीं हरा पाई थी। लेकिन अब न्यूजीलैंड ही सिर्फ घर के ही नहीं बाहर के भी शेर है भैया, और इसी वजह से आने वाले टाइम में केन विलियमसन के कुशल नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप और मार्गदर्शन में क्रिकेट की सुपर पावर बन सकती है न्यूजीलैंड की टीम। क्या लगता है आपको? इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें तो हैं ही बढ़िया भाई साहब, लेकिन वो तीनों फॉर्मेट में चैंपियन नहीं है। और जब भी वो अपने से मजबूत टीमों से भिड़ती हैं तो उनको वैसे ही धो दिया जाता है जैसे गोपी बहू ने लैपटॉप धो दिया था। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते और आपको लगता है नहीं नहीं आपके हिसाब से कोई और टीम का नाम होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स खुला है ना रे बाबा, कमेंट करो, अपना नाम लिखना, लोकेशन जरूर लिखना कि आप वीडियो देख कहां से रहे हो। चैनल सब्सक्राइब किए बगैर अगर गए ना भाई साहब तो मेरे को पता चल जाता है कितने लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम बोलना। कल मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।